और सिर्फ ममता बैनर्जी ने नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। उनके समर्थन में आज गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में धुआंधार प्रचार करेंगे। शुभेंदु ने आखिरी समय में पाकिस्तान कार्ड भी खेल दिया है। धुआंधार प्रचार और वार पलटवार के बीच नंदीग्राम का सियासी संग्राम अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आज इस सीट पर प्रचार के अंतिम दिन ममता बनर्जी और शुभेंदु वोटरों को साधने के लिए फिर जी जान लगाएंगे और इस प्रचार युद्ध में आज गृह मंत्री अमित शाह भी शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम के समर में उतरेंगे। 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही डेरा डाले हुए हैं और लगातार व्हीलचेयर पर बैठकर नंदीग्राम की गलियों में प्रचार कर रही हैं ताकि इस सीट पर दोबारा जीत का शुभेंदु अधिकारी का सपना पूरा न हो सके। लेकिन शुभेंदु का दावा है कि नंदीग्राम की जनता टीएमसी राज से परिवर्तन का मन बना चुकी है। उसकी तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को साला बोलता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। मैं मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। हालांकि नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमीनी ताकत से शुभेंदु अधिकारी अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं, ई रिक्शे से घूमकर बीजेपी के विकास का संदेश पहुंचा रहे हैं, जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और ताबड़तोड़ प्रचार के बीच कार्यकर्ताओं के घरों में ही खाना भी खा रहे हैं। इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी और अब इसी नंदीग्राम से शुभेंदु बंगाल की सियासत से टीएमसी का पांव उखाड़ने की बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी को कहीं दूसरे जगह जाना था लेकिन वो गांव में चली गई, रूट बदल दिया क्योंकि आपको देख के। उसकी काम उसको करने दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। कितने मार्जिन हो सकता है? पहले आपने कहा था 50,000 का मार्जिन होगा। कमल का फूल खिलेगी, कमल का फूल खिलेगी। शुभेंदु को भरोसा है कि बीजेपी का विकास का वादा, लगातार प्रचार और दीदी के खिलाफ गुस्सा नंदीग्राम में उनकी जीत के सबसे बड़े फैक्टर बनेंगे। लेकिन दीदी दम भर रही हैं कि इस बार नंदीग्राम से सिर्फ शुभेंदु को नहीं बल्कि पूरे अधिकारी परिवार को जवाब मिलेगा। नंदीग्राम का जो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ लोग, वो उसका सही समुचित जवाब सही वक्त पर देते। शुभेंदु का दावा ये भी है कि चुनाव से ठीक पहले नंदीग्राम में डेरा डालने का कोई भी फायदा ममता बनर्जी को नहीं होगा। ममता बनर्जी का बात का कोई असर इधर नहीं पड़ेगा। इधर ममता बनर्जी को लोग पूरा के पूरा कड़ा से कड़ा उसका समुचित जवाब मिल जाएगा। एक तरीके नंदीग्राम की लड़ाई का संदेश पूरे बंगाल चुनाव पर पड़ना तय है। यही वजह है कि ममता और बीजेपी दोनों ने यहां प्रचार में अपना दमखम झोंक दिया है। अब 1 अप्रैल को मतदाताओं को फैसला करना है कि वो किसके दावों, वादों और सपनों पर विश्वास जताते हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।